नवी मुंबई नेटवर्क। उपस्थित माननीय श्री भगत सिंह जी कोश्यारी जो आने वाले थे लेकिन बीमारी के कारण वो नहीं आ पा रहे, यहाँ पे उपस्थित कविंदर जी गुप्ता माजी उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, रामकेश निषाद जनशक्ति राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश, सीताराम जी कश्यप राज्य मंत्री, श्री राम गोपाल कश्यप राज्य मंत्री, यहाँ उपस्थित हमारे यहाँ के शेतकरी संगठन के सरचिटनीस श्री पीसी पाटिल जी, यहाँ उपस्थित हमारे नई मुंबई में रहने वाले लेकिन सबको अपने वाणी से आकर्षित करने वाले जिनको बहुत बड़ी उपाधि भी मिले ऐसे माधव बुआ शाबाशकर, यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे सांसद विधायक और इस महासंघ के प्रतिनिधि भाई और बहन, मुझे कहने में बड़ा आनंद हो रहा है। रमेश दादा पाटिल के नेतृत्व में केतन पाटिल भी युवा वर्ग को अपने साथ आगे आगे लेके जाने का प्रयास कर रहा है। रमेश दादा पाटिल को ये विधायक पद मिलने के बाद महाराष्ट्र के हर जिला में जाके, हर तालुका में जाके, कई कई जगह पे गांव में जाके लोगों की जो असुविधा है उसकी जानकारी लेके वो असुविधा सुविधा में रूपांतरित करने का प्रयास उन्होंने बड़ी मात्रा में किया, उनको बहुत बड़ी मात्रा में उसमें कामयाबी मिली। जो इंसान मन में इंसानियत का भाव रखता है वो इंसान को सभी के दुख दर्द की मालूमात होती है। ये जो अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई कोली के समन्वय समिति का जो अधिवेशन हो रहा है, सब सदस्य बहुत अलग अलग राज्यों से, अलग तालुका से, तहसील से, गांव से आए हुए हैं। पहली तो ये नई मुंबई आधुनिक शहर के तौर पे मैं आपका इस शहर में, क्योंकि इस जिला का मैं 3 बार पालक मंत्री रहा हूँ, 90 से लेके विधायक रहा हूँ, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जनता का प्यार रहेगा तो सर्वसामान्य इंसान भी बहुत बड़ा बन सकता है। अपने पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने भूतकालखंड में जिन्होंने राज्य किया, इन लोगों ने कितनी लोगों की मन की धूप धारा देखी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब से 2014 से मोदी साहब ने इस देश की डोर अपने हाथ में ली है, उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का पूरा नियोजन किया, कहां का कौन से धर्म के, जात के, पंथ के, वर्ण के लोग दुखी है, इस राष्ट्र के प्रवाह से अलग है, उसका स्टडी करने के बाद, खाली स्टडी करके आवाज लेके अपने टेबल पे नहीं रखा, तो उसके लिए उन्होंने देश के अर्थ संकल्प में सभी जाति जमाती को उनका हक मिले उसके लिए पूरा बंदोबस्त किया। जैसे कि अगले कालखंड में 21,000 करोड़ रुपए का वो जो राशि थी, मोदी साहब के कालखंड में 78,000 करोड़ की वो राशि बन गई,
इसका मतलब मोदी साहब ने दिल से इस सब लोगों का विकास करने का मन किया है। अपने देश का अमृत महोत्सव अपन मना रहे हैं और इस कालखंड में देश के हर कोने में हर तबके का समाज देश के प्रवाह में गतिमान हो जाए, उनका सामाजिक विकास हो जाए, उनका राजकीय विकास हो जाए, साथ साथ उनका आर्थिक विकास हो जाए, इसके लिए मोदी साहब ने हमेशा अपनी निगाह उधर रखी और उसके मुताबिक हर इलाके में लोगों को मदद मिल रही है कि नहीं उसका पूरा सारांश अपने अभ्यास में लिया। जैसे कि अभी एक महाराष्ट्र में एक टीवी पे जाहिरात आती है आवास योजना की, लेकिन आवास योजना की जाहिरात आती है वो योगदान महाराष्ट्र सरकार का नहीं, वो केंद्र सरकार का है। वहां पे वो केंद्र सरकार के योगदान को याद करने का मंसूबा नहीं रख रहे, इस बात का दुख होता है। राज्य ने कुछ प्रगति की, डेफिनेटली उनकी सराहना करना अपना काम है, लेकिन जिनसे मदद मिली वो केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी साहब का नाम का उल्लेख करने की उनको एक मन में उनको डर लगता है कि लोगों के सामने मोदी साहब को लेके जाएंगे तो फिर हमारा हिस्सा क्या रहेगा, ऐसा उनको मन में एक शक लग रहा है। मोदी साहब के कालखंड में जो कोरोना का कालखंड जो कोविड 19 वो कालखंड में मोदी साहब ने गरीब लोगों के लिए अनाज का मुफ्त बंटवारा करने का आदेश दिया और वो अभी तक कई कई इलाके में जारी है। ऐसे नेतृत्व में सही ढंग से संस्कृति का जो राम राज्य की संकल्पना थी, प्रभु रामचंद्र, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु गौतम, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान वर्धमान महावीर और उसके आगे आगे जाते तो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, ऐसे महान प्रभुति लोगों ने समाज के प्रति अपना योगदान दिया, इसलिए उनका आज भी नाम अपन लोग ले रहे हैं। रमेश दादा पाटिल ऐसे तो फिशरमैन कम्युनिटी से होने के बावजूद भी वो खाली फिशरमैन नहीं रहे, उन्होंने उद्योग में कदम रखा। मेरे स्मरण के मुताबिक इस MIDC में ऑक्सीजन का प्लांट लगाने वाले, ऑक्सीजन का निर्मित करने वाले स्थानिक लोगों में से रमेश दादा पाटिल पहले एक व्यक्ति थे। बाद में उनके सुपुत्र केतन, उन्होंने कैपिटल के बिजनेस में आए, RMC के बिजनेस में आए और अभी बहुत भारी मात्रा में अपनी खुद की प्रगति करते करते अपने साथी लोगों को भी उस प्रगति का मदद मिले, उसके लिए उनका प्रयास जारी है। मुझे आप लोगों को देख के बहुत आनंद हो रहा है, मैं रमेश दादा से बोल रहा था कि मैं सबके चेहरे पे आनंद दिख रहा है, इसका मतलब आप नई मुंबई शहर में आने के बाद में आपका जो दिल से स्वागत किया गया है उस स्वागत पे आप खुश हैं। Am I right or wrong? सही है। तो आगे चल के अभी ये तो हाल में अधिवेशन हुआ है, रमेश दादा को मैं कहूंगा कि बड़े मैदान में कभी अधिवेशन करने का होगा तो भी रमेश दादा को आप याद करो, पूरी ताकत से आप रमेश दादा के साथ में खड़े रहेंगे। रमेश दादा इस खुशी के वक्त में आपने हमें याद करके बुलाया, चेतन ने खुद आमंत्रण करने को आया था, मैंने बोला मैं आऊंगा रमेश दादा का कार्यक्रम, और तुम्हारे परिवार ने जो कुछ भी समाज के प्रति योगदान देने का इरादा किया है वो हर योगदान के वक्त में एक साक्षीदार के तौर पे हम खड़ा रहने वाले हैं। आपसे मिलके खुशी होगी, बहुत बड़े मानवों व्यासपीठ पर मौजूद है, इस शहर का पहचान है, ये शहर में रहने वाला हर धर्म का, जात का, पंथ का, वर्ण का, वर्ग का इंसान स्वाभिमान के साथ, निर्भयता के साथ रहता है और उसका श्रेय वही जनता को जाता है कि जिन्होंने अपने सही
प्रतिनिधि को वहां पे बड़ा बनाने का इरादा किया। मुझे आप लोगों का सबका दर्शन देने का धर्मेश दादा और उनके परिवार ने मौका दिया, महाराष्ट्र महापुलिस संघ ने मौका दिया, इसलिए मैं सबका आभारी हूँ। आगे चल के आपका फिर से दर्शन करने का मन में इरादा रखता हूँ। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower